सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह। इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक का सलूशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यूनिट 8 मींस चैप्टर 12 यानी एटम्स का, और ये वाला क्वेश्चन बैंक का सलूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैंने इसके क्वेश्चन के एक अल्टरनेटिव भी बना रखे, मतलब सल्यूशन के अल्टरनेटिव। सो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। और हाँ, एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो सकते हैं जहाँ तक, क्योंकि CBSE के कैंसिल कर दिया, MP बोर्ड का भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, आज यानी 2 जून को आने की संभावना है, और जहाँ तक कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर ओपन बुक कर देना तो ज़्यादा ठीक रहे, मेरे राय में तो ओपन बुक करना चाहिए, ओपन बुक ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमारा CG बोर्ड भी कर दिया है और ये भी कर देगा। तो ये पूरे सल्यूशन देख लो, सबसे पहले 1 वर्ड दिए हुए हैं यहाँ तक, और तुम्हें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक सल्यूशन मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ मिल जाएगा सभी लिंक, वहाँ से जाके देख लेना। और राइट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड 12 5, ये देखो, ये पूरा आपको सल्यूशन लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से तुम्हें 4 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। और राइट द पोस्टुलेट्स, ये बोहर के मॉडल, देखो यहाँ पर 2 मैंने मॉडल प्रस्तुत किए तुम्हारे सामने, एक ही वाला हो गया पूरा, 1 2 3 4 पॉइंट हैं और एक ही वाला, लेकिन मेरी मानो तो यही वाला तुम लिखना। कौन सा वाला लिखना, ये जो और करके मैंने दिया है ना, ये वाला लिख लेना, ठीक है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। इसमें शुरू में थोड़ा सा थ्योरी है, फिर इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 फार्मूले हैं, हालांकि इधर भी वही चीज़ है, ये सब वही चीज़ है, लेकिन ये मुझे उतना पसंद नहीं है जितना अच्छा ये वाला है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये तो पूरा ही पढ़ना यार, ये मुझे बायजूस में मिल गया था, वहाँ से मैंने दे दिया है। अब हाउ बोर्स, ये तो सिंपल सा है, एक न्यूमेरिकल था, और ये तो वेवलेंथ तुम्हें रटनी पड़ेंगी, ये रटने के अलावा और कोई चारा उजार नहीं तुम्हारे पास, ठीक। तो बस यही था सोल्यूशन, बाकी चैप्टर्स के सोल्यूशन भी मिल गए हैं। देखो, एग्जाम हो चाहे ना हो, पढ़ना तो ज़रूरी ही है, और हाँ, ओपन बुक कराते हैं तब तुम्हारे लिए यही क्वेश्चन बैंक इतनी मदद करेगा क्या कहें। और हाँ, जैसे ये कंप्लीट होता है तो इसका मैं एक सिंगल PDF बना के आप लोग को दे दूंगा, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का दिया था। तो अगर आपने अभी वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी वीडियोज़। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।